हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अब तो एग्ज़ाम्स भी क्लोज आ रहे हैं। एग्ज़ाम्स जब क्लोज आ जाते हैं तो आप लोगों के इन्वॉल्वमेंट पढ़ाई के लिए बढ़ जाता है और साथ में बढ़ जाता है आप लोगों का टेंशन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर कोई ये चाहता तो है कि एग्ज़ाम में उसका सबसे अच्छा हो, ठीक है। हर कोई ये चाहता है कि उसका सिलेक्शन IIT JEE में हो, लेकिन उसके लिए कितने एफर्ट करने चाहिए, क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी आप लोगों को स्ट्रैटेजी तो बनानी पड़ेगी, ठीक है। बात यह है कि इस टाइम पर जो आपकी पढ़ाई का टाइम है, स्टडी टाइम है, उसको मैनेज करना और आपके स्ट्रेस लेवल को, आपकी टेंशंस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैंने ये फील किया है कि जो बच्चे लास्ट तक पढ़ते रहते हैं, एग्ज़ाम्स के पहले तक पढ़ते रहते हैं इस बात की परवाह किए बिना कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, अपना काम करते रहते हैं, वो बच्चे IIT में सिलेक्ट हो जाते हैं। और जो बच्चे IIT में सिलेक्ट नहीं होते हैं, उसमें बहुत बड़ा प्रोपोर्शन, बहुत बड़ा रेशियो उन बच्चों का होता है जो एग्ज़ाम से पहले ही प्रिपरेशन बंद कर देते हैं या अपने आप को ये मान लेते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा और क्विट कर जाते हैं। जो लास्ट तक पढ़ता रहता है उसका सिलेक्शन ज़रूर होता है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो यह है कि अपने आप को कम नहीं समझना है और आपको ये मान करके चलना है कि आप लास्ट तक पढ़ते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। देखो, कितने भी क्वेश्चंस आप लोग कर लो, लेकिन ये पक्का है कि आप लोग जो फाइनल एग्जाम में करोगे वही इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, क्वेश्चंस करने से नॉलेज लेवल बढ़ता है, स्किल्स बढ़ती हैं और वो टाइम टाइम पर बढ़ाते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बट कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है किसी को पता नहीं, ठीक है। तो इस बात से डरना बंद कर दो कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सबसे पहले करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और जो भी आप डेली रूटीन बनाए और उस रूटीन को फॉलो करके आप लोग जो शाम तक पढ़ाई करते हैं तो उससे सेटिस्फेक्शन भी फील करो कि हाँ, ये चीज़ हमने पढ़ ली है। एक एक सब्जेक्ट में इतना आसान नहीं है कि फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री तीनों एक साथ मैनेज करना, हर एक में 20-20, 25-25 टॉपिक हैं और केमिस्ट्री के तो 3-3 पार्ट हैं, इन सब चीज़ों को एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। कभी आप लोग मैथ्स करोगे तो हो सकता है आपसे बहुत अच्छे आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होगा कि यार क्वेश्चन नहीं हो पा रहे। तो ऐसे टाइम पर डरना नहीं है, ऐसे टाइम पर आपको क्या करना है, दूसरा सब्जेक्ट ले लेना है, कुछ ईजी क्वेश्चन करने लगना है और इन्वॉल्व हो जाना है। जैसे आप लोग कुछ ईजी क्वेश्चन करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, या मान लीजिए थ्योरी पढ़ने लग गए तो इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, और ऐसे में क्या होगा, वो जो फेज है, जो टफ फेज है, जो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, उससे बाहर निकल जाओगे। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, लेकिन बने रहना है कंपटीशन में, मतलब आपको लगे रहना है ये मानते हुए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि एक चीज आप अपने माइंड में जरूर नोट कर लें कि नो वन कैन मेक यू इन्फीरियर विदाउट योर कंसेंट। किसी बड़े महापुरुष ने कहा है कि आप जब तक दूसरों को परमिशन नहीं देते हैं तब तक कोई आपको इन्फीरियर नहीं मान सकता, तो आप अपने आप को इन्फीरियर मानना बिल्कुल बंद कर दें। देखो, जब एग्ज़ाम में क्या होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये बात की बात है, लेकिन बाद में जब आप एग्ज़ाम दे करके निकलेंगे तो कम से कम आपके मन में ये रहेगा कि मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट किया। सिलेक्शन होना नहीं होना ये अलग मैटर है, लेकिन अगर आपका ऐसा एटीट्यूड रहेगा पॉजिटिव और आप अपना पूरी तरीके से एफर्ट करोगे तो मेरी गारंटी है कि आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। आपको अपने लिए, जो आपने अपने सपने देखे हैं उसको पूरा करने के लिए पढ़ना है, आपके पेरेंट्स ने जो आपके लिए सपने देखे हैं उनको पूरा करने के लिए पढ़ना है, जो आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनको कुछ दिखाने के लिए, ठीक है, उनको भी अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए आप लोगों को पढ़ना है। और अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनका आगे रास्ता कैसा रहे, वो आपको देख करके मोटिवेट हो, इसके लिए आपको पढ़ना है। बात ये नहीं है कि हमें सिर्फ पढ़ना है, अब हमें स्ट्रैटेजी भी बनानी है। तो सुबह उठ करके 5-6 पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। जैसे आप लोग उठते हैं तो आप स्ट्रैटेजी बना लो कि आज के दिन में हमें 10 काम क्या क्या करने हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये टॉपिक पढ़ना है, मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने हैं। ये स्ट्रैटेजी आप लोग बना लीजिए और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए दिन भर, और शाम को सोने से पहले आप चेक करें कि आपने कितने टास्क जो बनाए थे 10, उनमें से पूरे किए। मैं कहता हूँ 10 में से 8 भी पूरे नहीं हो पाएंगे, 7 भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो बहुत एनर्जी होती है,
ये भी कर देंगे दुनिया में, ये भी फोड़ देंगे, ये सब एनर्जी होती है। लेकिन जब हम शाम होती है तो एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। लेकिन जब आप टास्क बनाओगे 10, तो आपके पास दिन भर दिमाग में जो है प्रेशर रहेगा, और प्रेशर रहेगा कि हमें ये काम करना है, ये काम करना है, तो आप जहां जहां टाइम वेस्ट करते हो वो टाइम आपका बचने लगेगा। और ऐसा अगर आप फॉलो करते हो आने वाले टाइम में एग्जाम तक, तो फिर आप लोगों को बहुत ज्यादा इससे फायदा मिलेगा। देखो, एक्चुअल कॉम्पिटिशन आपका किसी और के साथ नहीं है, एक्चुअल कॉम्पिटिशन आपका खुद के साथ है। आप इंप्रूव करके आगे जा सकते हो, ठीक है। तो बात यह है कि आपको एग्जाम के अंदर क्या करना होता है, जो भी आपने नॉलेज गेन किया है उस नॉलेज को आपको एक्सट्रीम टाइम प्रेशर में, कम टाइम प्रेशर में अप्लाई करना होता है। अब आपकी 3 घंटे बैठने की हैबिट ही नहीं है, तो आप एग्जाम में कैसे 3 घंटे बैठ सकते हैं? जब आप पढ़ते हो तो 30 मिनट्स में, 50 मिनट्स में, 1 आवर में उठ जाते हो। तो आप पहले प्रैक्टिस तो डालो, एक बार टेबल बेंच पर बैठ करके जब आप पढ़ो तो 3 आवर्स तक एक साथ पढ़ो, तो ये प्रैक्टिस होगी तभी वो एग्जाम में काम आएगी आपको, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे दिमाग में कई सारे थॉट्स होते हैं। सुबह उठे, जल्दी जल्दी तैयार हुए, ठीक है। जब भी आप एग्जाम में जो रिव्यू टेस्ट होते हैं वो देने जाते हैं, तो आपके दिमाग में कई सारी बातें होती हैं, ठीक है। ऑटो वाले ने ऑटो किया आपने, ऑटो वाले ने दूर छोड़ दिया, दिमाग में चल रहा साले ने पैसे लूट लिए, पहुंचे, ठीक है, टाइम टेबल ये देखा, आपका रोल नंबर देखा, तो अरे यार 4th फ्लोर पर सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते गए, कोई और आपका दोस्त है जो पढ़ता हुआ जा रहा है, दिमाग में टेंशन की तो अभी तक पढ़ रहा है, फिर ये हड़बड़ाहट में पहुंचे, फिर आपने क्वेश्चन पेपर लिया, फटाफट अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। अब अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया तो वो सारे थॉट्स आपके दिमाग में थे जो आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, और इसमें आपने क्वेश्चन शुरू कर दिए, और शुरू करते ही हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो फिर लगेगा अरे यार मेरा तो पेपर बिगड़ने लगा है, तो वो एक डिप्रेसिंग सा फेज आ जाता है। सबसे पहले आप एग्जाम में जाओ तो यू जस्ट काम डाउन, और क्वेश्चन पेपर को 2-4-5 मिनट तक देखो। आप बोलोगे सर हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो भाई ऐसा नहीं होगा। आप पहले स्ट्रेटजी बना लो कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन टाइम मिले तो अटेम्प्ट करने हैं। तो वो क्वेश्चन जो बिल्कुल देख के हो जाएंगे वो लेवल 1, वो क्वेश्चन जो आप कोशिश करोगे तो हो जाएंगे लेवल 2, और लेवल 3 वो क्वेश्चन जो आपको करने ही नहीं है, जो आपसे नहीं होंगे। सारे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं करने होते हैं, 60% मार्क्स भी अगर आप ले आते हो तो एक अच्छी रैंक के लिए काफी है, तो डर किस बात का। और फिर आप बिल्कुल शांत होकर के पेपर को अटेम्प्ट करें। पहले वही क्वेश्चंस करने चाहिए जो इजी है, जो आप देख करके कर सकते हैं, और ऐसा करने से क्या होगा, आपका इनिशियल 15-20 मिनट 30 मिनट्स में कुछ मार्क्स आ जाएंगे, और मार्क्स आ जाएंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, फिर आपको लगेगा कि हाँ यार पेपर फोड़ देंगे हम आगे। तब आप दूसरे को, एक दूसरे को नहीं देखोगे कि यार वो क्या कर रहा है, टेंशन में भी नहीं आओगे। तो ये स्ट्रेटजी एग्जाम की आपको अभी से डेवलप करनी है। जब भी आप कोई एग्जाम दे तो इस तरीके से करें, जब भी आप पढ़ाई करें तो 3 आवर्स तक बैठ करके पढ़ें, अपने आप इंप्रूवमेंट आएगा। सुबह उठें आप 10 टास्क बना लें, रात को सोते समय वो चेक करें कितने पूरे हुए, तो अपने ऊपर दिन भर प्रेशर भी रहेगा। खाने पीने का ध्यान रखें, बहुत ज्यादा खाने से कुछ नहीं होता है, वॉक करें, जितना वॉक करोगे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा और बॉडी के लिए भी अच्छा रहेगा। जब आपका माइंड हेल्दी तभी रह सकता है जब आपकी बॉडी हेल्दी हो, ओके। जब आप 2 एग्जाम होते हैं, 2 एग्जाम के बीच में 3-4 आवर्स का गैप आपको मिलता है, तो उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब फूड नहीं लें, ठीक है, आप उतना ही लें, थोड़ा सैलड लें, फ्रूट्स लें जिससे एनर्जी बनी रहे, थोड़ा सा वॉक करें, थोड़ा रेस्ट करें ताकि बॉडी तैयार हो जाए अगले एग्जाम के लिए। बहुत सारे बच्चों की शिकायत रहती है कि पहले पेपर में तो बहुत अच्छा कर लिया और दूसरे पेपर में पता चला कि एकदम एनर्जी लेवल डाउन हो गया और पेपर सेकंड में मार्क्स कम आते हैं, तो वो इसीलिए आते हैं क्योंकि एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो रेस्ट भी करें और उतना ही फूड लें जितनी रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा सैलड लें, ज़्यादा फ्रूट्स लें, और थोड़ा सा वॉक करें जिससे एनर्जी मेंटेन हो, दोबारा से रिजुविनेट हो, रिफ्रेश होकर के एग्जाम देने जाए। सो ये बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इस बात का स्ट्रेस जब तक आप लेना बंद नहीं करेंगे कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपके पेरेंट्स क्या सोचेंगे, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, तब तक आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। आपको पढ़ना इसलिए क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। देखो, ऑल IITians आर नॉट सक्सेसफुल एंड ऑल सक्सेसफुल पीपल आर नॉट IITians। ये मैंने अपने गुरुजी से सीखा है। सारे IITians सक्सेसफुल हैं ऐसा जरूरी नहीं है। देखो, लाइफ हमेशा आपको मौके देती रहेगी, लेकिन ये अच्छा मौका है और इस मौके को आपको
ये करना है कि आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करेंगे लास्ट तक, आईटी में सिलेक्शन हो या ना हो, एनआईटी में जाओगे, दूसरे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, मैं गारंटी लेता हूँ कि लाइफ आपको बहुत मौके देगी सक्सेसफुल बनने के। सक्सेस ज़्यादा ज़रूरी है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आप लोगों के एग्ज़ाम तक काम आएगी, लेकिन जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपकी अपने लिए सोच है, वो आपकी लाइफ लॉन्ग काम आएगी और वही आपकी असली जीत होगी। ठीक है, आपको अपने मन में जो विश्वास है उसको हमेशा कायम रखना है, उसको आगे तक लेकर के जाना है। ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट, और एग्ज़ाम में आप लोगों का बहुत अच्छा हो ये मैं चाहता हूँ। अब थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं हम लोग कि जो ये कोर्स है फाइनल रिवीजन टच, इसमें मैं आपकी कुछ हेल्प करने के लिए इस तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन किया है कि कई सारे टॉपिक्स हैं ऑर्गेनिक में, 11, 12 टॉपिक्स में हमने ही डिवाइड किया है इसको, और हम ये चाहते हैं कि आपका कम टाइम के अंदर कैसे रिवीजन हो। ठीक है, कौन से टॉपिक को कितना वेटेज देना है, उस टॉपिक में से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या थ्योरी पढ़नी है, और उस पर क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है, तो जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हुए हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं भी हों, लेकिन कम से कम आप ये तो समझेंगे कि ऐसे क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में आए तो आप लोग कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे। क्वेश्चन वही करने हैं जिनके आंसर हों, सॉल्यूशन हों। तो हर एक टॉपिक में हमने ये डिफाइन किया है कि इस टॉपिक को कितनी देर तक पढ़ना है, उस टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चंस आपको, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और क्या क्या अच्छे क्वेश्चन उस पर बन सकते हैं, वो क्वेश्चंस का कलेक्शन विद सॉल्यूशन हमने आप लोगों को दिया है। ठीक है, और इससे एक चीज़ तो है कि आपकी जो टाइम है जो कि बहुत कम बचा है, इस टाइम ड्यूरेशन में आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि एक बात मतलब ये जरूर मान लो आप लोग कि हम लोग पढ़ाई इसलिए करते हैं कि हमारा अच्छा हो, पढ़ाई हमारे लिए है, हम पढ़ाई के लिए नहीं है। पॉजिटिव माइंडसेट आप लोग रखें और अच्छे से पढ़ते रहें। और दूसरी बात यह है कि जब आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो तो ऐसा ना सोचें कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला और आपसे नहीं होगा, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें और आगे बढ़ें। और कोई क्वेश्चन अगर आपसे हो रहे हैं सारे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा खुश भी ना हो। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते रहें। किसी का मैथ्स अच्छा होता है, किसी का केमिस्ट्री, किसी का फिजिक्स अच्छा होता है, तो अपनी स्ट्रेंथ वाला जो सब्जेक्ट है, जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, उसको पहले अटेम्प्ट करें। बीच में वो सब्जेक्ट लें जिसमें आप थोड़ा सा डल फील करते हैं, और लास्ट में बोलें जो आपका एवरेज सब्जेक्ट है। ओके, यूजुअली केमिस्ट्री को कम टाइम देते हैं स्टूडेंट एग्ज़ाम में, कर सकते हो ऐसा आप लोग भी, लेकिन बहुत कम टाइम भी ना दें, बहुत ज़्यादा तुक्के नहीं मारें, जो आपको आता है वही अटेम्प्ट करें। ठीक है, और अपनी रिविजन स्ट्रैटेजी आप लोग आज से ही बनाएं। Wish you all the best and good luck. Thank you very much.